खाकर 45 वर्षीय महिला के साथ शादी करने का मामला सामने आया है। इटावा जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम विजयपुरा का निवासी शत्रुघ्न सिंह ठगी का शिकार हो गया। युवक जलालों के झांसे में आकर फंस गया। मंदिर में 20 वर्ष की युवती को दिखाया गया, उसको दुल्हन पसंद आ गई और दलालों ने 35,000 रुपये शादी करवाने के नाम पर एडवांस ले लिए। जब शत्रुघ्न अपने परिवार के साथ अपनी मां को लेकर मंदिर में शादी करने पहुंचा, तो वहां उसकी शादी जबरन दो बच्चों की मां 45 वर्षीय युवती से कराई जाने लगी, जिसको देखकर वो भड़क गया और वो अपनी मां के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ और थाने पहुंच गया। उसने आरोप लगाया है कि जिन ठगों ने 35,000 रुपये लेकर उसे ठगा है, उन्होंने सुंदर 20 वर्षीय युवती दिखाकर एक 45 वर्ष की महिला से जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। तो नीलकंठ मंदिर पर ही दिए थे सर, मेरे साथ धोखा हो गया। ये दलाल थे मेरे पास, 35,000 रुपये मेरे खाली है। वो लीलकंठ मंदिर से लड़की दिखा दी थी, 20 साल की थी वो। उसके बाद जब मैं, इन्होंने कहा कि चलो कल भाने डाल ले आओ। कौन दलाल थे, उनके नाम बताओ। छोटे और छोटे भदौरिया और मतलब बुद्धे तोमर। फिर उसके बाद सर इन्होंने वो कल मेरे को बुलाया कि चलो विदा कर लो, चले गए भाने डाल लो। तो मैंने इको गाड़ी कर ली सर। कल सुबह से फ़ोन कर रहे रुपये मैंने इनको दे दिया। परसों 25,000 एकदम मैंने 35,000 रुपये इन पर दे दिए। 5,000 पीवीएफ खाईवे को सर दे दिए। 25 तारीख को पीवीएफ खाईवे को दे दी मैंने, सब दे दिए। जब कल बोले कि चलो विदा कर लो चले के अपनी, तो नहीं ठीक है, तो बोले कि कानपुर से लड़की अभी आई नहीं है। थाना सिविल लाइन्स में शत्रुघ्न नामक एक नवयुवक द्वारा आज एक शिकायत पत्र दिया गया है। शिकायत पत्र में अंकित किया गया है कि बुद्धे और छोटे नामक व्यक्तियों द्वारा उन्हें शादी के लिए एक लड़की दिखाई गई थी कुछ दिनों पूर्व। आज जब वह शादी के लिए पहुंचे तो वहां पर कोई अन्य महिला उनके सामने लाई गई, जिसका उन्होंने विरोध किया। इस विरोध के पश्चात विपक्षियों द्वारा कथित रूप से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके कुछ पैसे छीने गए। थाना पर इस शिकायत का संज्ञान लिया गया है, जांच कराई जा रही है, शीघ्र ही न्यायोचित विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर आगरा से है, जहां